आज मैंने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निर्वाचित सदस्य पद से और जो भी जिम्मेदारियां पूर्व में हमको दी गई थी वक्फ से संबंधित उन सभी पदों से अपना त्याग पत्र वक्फ बोर्ड की बैठक में जाकर बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया है। अब मेरा इस मोहम्मदी आतंकी समाज से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान जैसी आतंकी किताब के मानने वालों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अब मैं इन सबको छोड़कर सनातन धर्म में प्रवेश कर चुका हूं आस्था के साथ में, और क्योंकि सनातन एक मोहब्बती मजहब है, एक मोहब्बती धर्म है, हमें इस धर्म का सम्मान रखना है। हम उन सभी हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर जो सामाजिक तौर पर हिंदुओं के विकास के लिए, जो सामाजिक तौर पर हिंदुओं की तरक्की के लिए, जो पॉलिटिकल हिंदुओं की भलाई के लिए काम कर रही हैं, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। हम हिंदुस्तान की सभी विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में उस जगह जरूर जाएंगे जहां पर ये कट्टरपंथी मोहम्मदी आतंकी समाज के मुसलमान चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा पहुंचते हैं और अपने कट्टरपंथ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्षेत्रों में इनको बढ़ावा देते हैं। हमें इनको सामाजिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर कमजोर करना है, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, या हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में चुनाव हो। हमें उस जगह जाना होगा जहां पर इस तरह के मुसलमान चुनाव लड़ते हैं अपने समाज के वोटों पर। हमें वहां पर हिंदू वोटों को संगठित करना होगा और जो ये अपनी ताकत विधानसभा और लोकसभा में बनाते हैं उसे कमजोर करने के लिए काम करना होगा, और बहुत कम तादाद इनकी वहां पहुंचने पाए इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा।